गैंग्रीन एक ऐसी स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब शरीर के ऊतकों का काफी द्रव्यमान मर जाता है। यह चोट या संक्रमण के बाद या रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाली किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित लोगों में हो सकता है। गैंग्रीन मुख्य रूप से प्रभावित ऊतकों को रक्त की आपूर्ति कम होने के कारण होता है, जिससे कोशिका मृत्यु होती है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ और लंबे समय तक धूम्रपान स्मोकिंग जैसी बीमारियों से गैंग्रीन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही अल्कोहल के अधिक सेवन से भी गैंग्रीन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर पैर की उंगलियाँ, पैरों और उंगलियों और हाथों की में ये शुरू होता है। गैंग्रीन तीन प्रकार का होता है, शुष्क गैंग्रीन, गीला गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। शुष्क गैंग्रीन इस्चेमिया यानी कि रक्त की सीमित आपूर्ति के कारण अंग के बाहर के हिस्से से शुरू होता है और अक्सर धमनी कांठी यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण बुजुर्ग रोगियों के पैर की उंगलियों और पैरों में दिखाई देता है और इस प्रकार इसे सेनिल गैंग्रीन के रूप में भी जाना जाता है। शुष्क गैंग्रीन आमतौर पर धमनियों में रुकावट के कारण देखा जाता है। धमनियां वे रक्त वाहिकाएँ हैं जो ऑक्सीजन युक्त खून को शरीर के एक हिस्से से दूसरे अंग तक पहुंचाती है। चूँकि सीमित सड़न होता है और बैक्टीरिया जीवित रहने में विफल होते हैं, शुष्क गैंग्रीन धीरे धीरे फैलता है, जब तक कि उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता जहां रक्त की आपूर्ति ऊतक को नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होती है। अप्रभावित भाग ममीकृत मांस की तरह सूख जाता है, सड़े हुए मांस की तरह सूख जाता है, सिकुड़ा हुआ गहरे लाल काले रंग का आपको दिखाई देगा। गीला गैंग्रीन नम ऊतकों और अंगों जैसे मुंह, आंत, फेफड़े, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि में होता है। सैक्रम यानी त्रिकास्थि, नितंब, बटोक और एड़ी जैसे शरीर के अंगों पर होने वाले जो बैड सोर्स होते हैं, बड़े बड़े घाव होते हैं, उनको भी गीले गैंग्रीन संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गीले गैंग्रीन में कई बैक्टीरिया होते हैं और आमतौर पर सेप्टिसीमिया के कारण खराब रोग का इस रोग का निदान आसान नहीं होता है। गीले गैंग्रीन में ऊतक क्लॉस्ट्रीडियम परफिरिंजिस या बैसिलस फ्यूजीफॉर्मिस जैसे सूक्ष्म जीवों से संक्रमित होते हैं, जिससे जो टिश्यूज़ हैं ऊतक हैं सूज जाते हैं और एक भ्रूण गंध का यानी कि बहुत गंदी स्मेल का उत्सर्जन करते हैं। गीला गैंग्रीन आमतौर पर शिरापरक यानी कि मुख्य रूप से शिराओं में या धमनियों में रक्त प्रवाह की रुकावट के कारण तेजी से विकसित होता है। शिराएं वे रक्त वाहिकाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन रहित खून बहता है और धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन युक्त खून बहता है। तो गीले गैंग्रीन में क्या होता है, दोनों ही प्रकार की रक्त वाहिकाओं में ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है। प्रभावित हिस्सा रुके हुए खून यानी कि गंदे खून और धीरे धीरे बहने वाले खून के कारण बैक्टीरिया के तेज विकास को बढ़ावा देता है। गैस गैंग्रीन एक जीवाणुवी संक्रमण है जो ऊतकों के भीतर गैस का उत्पादन करता है, यानी गैस गैंग्रीन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो टिश्यूज के भीतर गैस का उत्पादन करता है। यह गैंग्रीन का सबसे गंभीर रूप है जो आमतौर पर क्लॉस्ट्रीडियम परफिरिंजिस बैक्टीरिया के कारण होता है। संक्रमण तेजी से फैलता है क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित गैसें फैलती है और आसपास के स्वस्थ ऊतकों में घुसपैठ करती है, घुस जाती है। बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित गैसें आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनमें घुस जाती है। गैस गैंग्रीन को आमतौर पर एक चिकित्सा आपातकाल के रूप में माना जाता है क्योंकि यह तेजी से फैलता है, तो यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अगर ये फैलना शुरू हो गया एक बार तो बहुत तेज़ी से फैलता है और आपके टिश्यूज़ को, अंगों को बहुत जल्दी ख़राब करता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट इंस्टेंटली किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं शुष्क गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन के लक्षणों की। शुष्क गैंग्रीन जो कि गैंग्रीन का सबसे सामान्य प्रकार है, आमतौर पर निम्नलिखित रूप से प्रकट होता है। सबसे पहले प्रभावित हिस्सा लाल हो जाता है, फिर यह ठंडा पीला और शून्य हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों को दर्द का अनुभव होता है। इसके अलावा शरीर का अंग बिना उपचार के लाल से भूरे, भूरे से काले रंग में बदलना शुरू कर सकता है। मृत ऊतक यानी कि डेड सेल्स, डेड जो टिश्यूज़ होती है अंगों की, वे सिकुड़ सकते हैं और आसपास के स्वस्थ हेल्दी टिश्यूज़ से दूर गिरने लगते हैं। इस तरह से जो अंग है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, सीधे सीधे कहें तो।
वेट गैंग्रीन सूखे गैंग्रीन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके लक्षणों में शामिल है शरीर के प्रभावित हिस्से की सूजन और लाली, दर्द जो अक्सर गंभीर हो सकता है, त्वचा के घाव से दुर्गंध युक्त मवाद निकलना, प्रभावित क्षेत्र का रंग लाल से भूरे, भूरे से काले रंग में बदल जाना, ये वेट गैंग्रीन के यानी गीले गैंग्रीन के लक्षण हैं। तीसरा है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: गंभीर दर्द के कारण भारीपन महसूस होना, गैस गैंग्रीन के अधिकांश मामलों में प्रभावित क्षेत्र के पास की त्वचा को दबाने से गैस बनने के कारण कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक टिनफोइल के कुचलने की भावना पैदा करने वाले, जैसे आप टीन का फोइल, टीन का कोई प्लेट जोर से दबाते हैं, कुचलते हैं, तो जैसे अजीब सी आवाज़ आती है, उसी तरह की आवाज़ आपको गैस गैंग्रीन में सुनने को मिलती है जब आप अपनी त्वचा को दबाते हैं। इट कुड बी वेरी डेंजरस। आप सोच इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ख़तरनाक होता होगा, इसीलिए इसका इंस्टेंट इलाज ज़रूरी होता है। गैंग्रीन तब होता है जब किसी चोट या किसी अंतर्निहित बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग रक्त की आपूर्ति खो देता है, यानी कि शरीर के किसी अंग तक जो ऑक्सीजन युक्त खून है वह नहीं पहुंच पाता है, जिससे वहां की कोशिकाएं मरने लगती हैं। गैंग्रीन पैदा करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं: डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। अक्सर डायबिटीज़ के रोगियों में आपको गैंग्रीन की समस्या देखने को मिलेगी। दबी हुई प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि दबी हुई इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी लो होने के कारण, जैसे कि HIV और कीमोथेरेपी के कारण इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये गैंग्रीन की समस्या देखी जाती है। रक्तवाहिका रोग यानी ब्लड वेसल से संबंधित बीमारियां, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें जो हमारी धमनियां हैं ऑक्सीजन युक्त खून ले जाने वाली ब्लड वेसल्स हैं वे हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिससे ब्लड खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है। यह अक्सर बाहों की रक्तवाहिनियों और पैरों की रक्तवाहिनियों में देखा जाता है। इसीलिए अक्सर जो गैंग्रीन है वो आपको पैरों में या हाथ को उंगलियों में देखने को मिलता है। किसी तरह की अगर सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में ये गैंग्रीन की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कट चुकी होती है। संक्रमण या स्टीमिया के कारण, जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस बैक्टीरिया या थ्रोम्बोसिस के द्वारा भी गैंग्रीन की समस्या बढ़ती है। जहाँ पे भी कोई रक्तवाहिका अवरुद्ध होती है यानी कि जहाँ पे भी खून का प्रवाह रुकता है वहाँ पे आपको गैंग्रीन की समस्या देखने को मिलेगी। आपको गैंग्रीन हुआ है या नहीं इस बात की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर कुछ तरह के परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट, उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर टेस्ट, और ब्लड कल्चर, इमेजिंग परीक्षण जैसे कि एक्सरे, MRI, जिस अंग में आपको हुआ है गैंग्रीन वहाँ का एक्सरे MRI किया जा सकता है। उसी तरीके से सर्जरी, गैस गैंग्रीन की स्थिति में सर्जरी करके यह पता लगाया जाता है कि आपको गैस गैंग्रीन हुआ है या नहीं। गैंग्रीन का इलाज उनके लक्षणों यानी सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है। जिस तरह का सिम्टम होता है उसी तरह की ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको देंगे। जैसे कि संक्रमण है, संक्रमण को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक से संक्रमण का इलाज किया जाता है। अगर टिश्यू बहुत ज़्यादा सड़ चुका है तो उस कंडीशन में सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, जो डेड सेल्स होती हैं उनको निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा सड़न वाले हिस्सों को अगर काट कर ना निकाला जाए तो वह पूरे अंग में फैल सकता है। धीरे धीरे आपका अगर पैर में हुआ है, पैर की उंगलियों में, तो पहले उंगलियाँ पूरी उंगलियों में फैलता है, उसके बाद फिर पूरे पैर में फैलना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में पैर काटना भी पड़ सकता है। तो गैंग्रीन अगर शुरू हुआ है तो उसी समय पे इसकी पहचान करके इसका इलाज करना सही होता है। उसके बाद है संवहनी सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी के द्वारा जो खून का फ्लो है उस ऑर्गेन या गैंग्रीन प्रभावित अंग तक उसको बढ़ाया जाता है या शुरू किया जाता है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी की मदद से जो प्रभावित अंग है वहाँ पे प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है।